students, this is lecture 4th of class 7, unit 2nd. So today we discuss about spectrum. Spectrum kya hota hai? It is the combination of light of different wavelength. Kya hota hai spectrum? Jaise humne pehle electromagnetic radiations ka bhi spectrum kiya tha. Ki kya ki different light, combination tha, different type ki light ka ya rays ka with different wavelengths. ठीक, तो ये भी क्या होता है स्पेक्ट्रम की क्या है कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ व्हेन लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म. अगर आप किसी प्रिज्म में से लाइट को पास करते हो तो हमें डिफरेंट सीरीज के कलर बैंड्स मिलते हैं और उसे हम क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं. तो स्पेक्ट्रम को क्लासीफाई करते हैं एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर. एमिशन स्पेक्ट्रा के टू टाइप्स हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा और सेकेंड टाइप हमारा क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. तो क्या है यहाँ पे मैंने इस फिगर के अंदर आपको तीनों स्पेक्ट्रा दिखाए हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा लाइट एमिशन स्पेक्ट्रा. तो क्या है जब क्या किया सबसे पहले कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा को देखते हैं. जब एक लाइट सोर्स से मतलब व्हाइट लाइट आपने क्या की पास कराई एक लाइट सोर्स से क्या आ रही है व्हाइट लाइट आ रही है. जब वो आपने उसको ये क्या है स्लिट है यहाँ स्लिट इसलिए लगाई ताकि लाइट क्या है इधर उधर डिफ्रैक्ट ना हो सीधा क्या हो एक रे के अंदर आए. तो जब इस व्हाइट लाइट की रे को आपने एक प्रिज्म से पास कराया तो क्या देखा आपने प्रिज्म के बाद एक आपने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई होगी कि आपको क्या दिखे वहां पे कलर्स दिखेगी क्या ऑब्जर्वेशन आपकी आ रही है रेस कैसे स्लिट हो रही है. तो आपने क्या देखा कि जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास कराया तो क्या हो रही है वो व्हाइट लाइट सेवन कलर्स के अंदर क्या हो गई स्प्रेड हो गई और वो सेवन कलर्स हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखाई दिए जो किस फॉर्म में थे ग्लो. और ये कलर्स क्या थे एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रखे थे कैसे कि वॉयलेट के बाद वॉयलेट कलर इंडिगो में मिक्स है इंडिगो कलर ब्लू में मिक्स है आगे फिर वो ग्रे में मिक्स है फिर उसके बाद येलो में मिक्स है मतलब एक दूसरे कलर क्या थे मिक्स हो रखे थे बीच में कोई भी गैप नहीं था इसलिए स्पेक्ट्रा को क्या नाम दिया कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा मतलब कंटीन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ कलर्स हो रही है. जब एक व्हाइट लाइट को डायरेक्ट आप प्रिज्म से पास करा रहे हो तो फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें सेवन कलर्स दिखते हैं जो एक दूसरे के अंदर क्या है मर्ज है इसलिए स्पेक्ट्रा को क्या नाम दिया कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा. फिर आता है एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है आपने क्या लिया जब व्हाइट लाइट को डायरेक्ट प्रिज्म से पास ना कराते NaCl सॉल्यूशन में से पास करवाया या फिर किसी भी टाइप का सॉल्यूशन आप ले सकते हो. ठीक, तो जब आपने NaCl सॉल्यूशन में से पास कराया ठीक तो सोडियम का क्या होता है येलो कलर होता है तो इस वजह से क्या होगा व्हाइट लाइट के अंदर डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ है तो क्या होगा जो सोडियम येलो कलर की जो वेवलेंथ होगी ठीक वो क्या होगी NaCl सॉल्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो हमें क्या दिखेगा जो स्पेक्ट्रा दिखना चाहिए था सेवन कलर्स का हमें वो ना दिखे हमें क्या दिखेगी डिफरेंट कलर्स की लाइन दिखेगी लेकिन जो येलो कलर वाला पोर्शन था येलो कलर का जहाँ शो होना चाहिए था वहां पे हमें कोई कलर शो नहीं होता है हमें डार्क प्रिज्म दिखता है. वो क्यों दिखा क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या था NaCl सॉल्यूशन के अंदर से व्हाइट लाइट को पास कराया था तो इस वजह से जो येलो कलर की क्या थी वेवलेंथ थी वो क्या हो गई इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई NaCl सॉल्यूशन के अंदर और इस वजह से हमें यहाँ पे येलो कलर जहाँ पे आना चाहिए था हमारे बैंड के अंदर वो क्या दिखा हमें वहां पे डार्क रीजन दिखा बाकी सब क्या थे कलर्स हमें शो हो रहे थे इस वजह से इसको क्या नाम दिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नाम दिया. अगर आप यहाँ पे कोई और सोल्यूशन ले लेते हो जैसे की कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया ब्लू कलर का होता है तो क्या होगा ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वहां पे आपको डार्क रीजन दिखाई देगा और बाकी सब कलर्स की आपको अलग से लाइन दिखाई देगी. तो ये है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कि एक टाइप की जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो हमें अपने स्पेक्ट्रम के ऊपर शो नहीं होती बाकी सब कलर्स की लाइन शो होती है. फिर आता है आपका लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा. लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है जैसे आपने जब ये येलो कलर की लाइन्स यहाँ पे क्या हुई एब्जॉर्ब हुई ठीक तो ये लाइन्स जब एब्जॉर्ब हुई है तो अगर आप गैसियस स्पेस लेते हो इसका जैसे NaCl सॉल्यूशन था तो इसमें क्या थी येलो कलर की लाइन्स
या तो गैसेस से इसलोग या फिर NaCl सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराओ, तो क्या होगा, जो वो वेवलेंथ येलो कलर की एब्जॉर्ब हुई वो क्या होगी आपको जब प्रिज्म में से पास होगी, तो हमें यहाँ पे वो येलो कलर के दो बैंड्स दिखाई देंगे, मतलब दो आपकी जो लाइंस है वो हमें येलो कलर के बैंड की दिखाई देंगी, क्योंकि जो एब्जॉर्ब हुई थी वो इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से या फिर गैसेस फेस होने की वजह से क्या होगी, वो एमिट भी होगी, और जब वो प्रिज्म में से वो लाइट पास होगी तो हमें क्या मिलेगा, एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा, और इस वजह से जो बाकी रीजन है वो क्या होगा, हमारा डार्क रीजन होगा। ये सारा रीजन क्या है, डार्क है, और हमें सिर्फ क्या दिखेगी, येलो कलर की लाइन दिखेगी। तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा है वो एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है, एक दूसरे के अपोजिट है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हमें जिस रीजन में डार्क कलर दिखाई देता है, जिस रीजन में हमें कोई कलर नहीं दिखाई देता, एमिशन स्पेक्ट्रा में हमें सिर्फ उसी रीजन के अंदर ही कलर दिखाई देता है, और बाकी स्पेस क्या होता है आपका, डार्क रीजन होता है। तो ये लाइट एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है। कैसे कि यहाँ पे देखो क्या था, येलो कलर के अंदर डार्क रीजन था, बाकी सब पोर्शन में क्या थे आपके कलर लाइन्स थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, बाकी पोर्शन में जहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कलर लाइन्स थी वहां पे क्या है, डार्क रीजन है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो येलो कलर की लाइन हमें शो नहीं हो रही थी वो हमें एमिशन स्पेक्ट्रा में शो होती है। वो किस वजह से, क्योंकि जो NaCl सॉल्यूशन के अंदर आपकी लाइट की वेवलेंथ क्या हुई थी, आपकी एब्जॉर्ब हुई थी, वो इलेक्ट्रिक करंट पास कराने से या गैसियस फेज देने से वो लाइन क्या हो गई, वो वेवलेंथ दोबारा से क्या हुई, एमिट हो गई, और हमें क्या दिखाई दी, उस कलर की क्या दी, वेवलेंथ दिखाई दी हमारे स्पेक्ट्रम के अंदर। नोट इट डाउन। और फंड
क्या होंगे आपके थर्ड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो N4, N5 एंड सो ऑन क्या होंगे, इसकी एक्साइटेड स्टेट होंगी। ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर क्या है, N4 क्या है ग्राउंड स्टेट है और N5, N6 और उससे आगे क्या है एक्साइटेड स्टेट है। ऐसे ही फंड के अंदर जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या है N5 है एंड बाकी सब क्या है आपकी एक्साइटेड स्टेट है। और स्पेक्ट्रल रीजन क्या है इसका, लाइमन सीरीज है जो आपको हमें यूवी रीजन में मिलती है, पावर सीरीज विजिबल रीजन के अंदर मिलती है और पार्शियल ब्रैकेट और फंड जो सीरीज है वो हमें इंफ्रारेड रीजन के अंदर मिलती है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपको कलर्स कौन से रीजन के अंदर शो होंगे तो वो कौन सी सीरीज होगी, पावर सीरीज होगी, क्योंकि पावर सीरीज हमें विजिबल रीजन में दिखाई देती है और विजिबल रीजन की क्या है ह्यूमन आई के लिए डिटेक्ट, विजिबल रीजन भी क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन आई, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं हमें 7 कलर्स दिखाई देती है। तो जो रिटर्न था एक साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, स्पेक्ट्रा को क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने ही क्या था ये फॉर्मूला दिया, जो आपके डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ हैं, जो ये सीरीज हैं डिफरेंट टाइप की, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से क्या निकल रही है वेवलेंथ निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी कुछ वेवलेंथ होगी, तो उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। क्या था वो, वेव नंबर, हमने पढ़ा था वेव नंबर किसके अपोजिट होता है वेवलेंथ के, तो 1/ वेवलेंथ इज इक्वल टू RH 1/N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर इनटू में Z स्क्वायर। तो RH क्या है यहाँ पे दिनभर कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या है 190678 सेंटीमीटर इनवर्स। N1 क्या है आपकी ग्राउंड स्टेट है, N2 क्या है आपकी एक्साइटेड स्टेट है और Z क्या है एटॉमिक नंबर है, मतलब कोई आपकी हाइड्रोजनाइज स्पीशीज हो जैसे कि HE पॉजिटिव और क्या हो Li 2 पॉजिटिव, ये क्या है हाइड्रोजनाइज स्पीशीज है, क्योंकि HE पॉजिटिव के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है और Li 2 पॉजिटिव के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हमें क्या है जो हाइड्रोजनाइज स्पीशीज है उनकी वेवलेंथ क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है आपका फर्स्ट स्टेट में है और वहां से क्या है फिफ्थ स्टेट में जा रहा है, तो क्या हो जो वो रेडिएशन एमिट करेगा तो उसकी क्या है वेवलेंथ कैलकुलेट करो, इस तरीके से क्या है न्यूमेरिकल आएंगे। तो ये था आपका 9 स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन जिसमें क्या है 5 सीरीज होती है, उनके डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड स्टेट है, डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट है और डिफरेंट ही रीजन के अंदर वो क्या है हमें शो होती है। और Z क्या होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो जब हम
को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15233 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या था कि आपको N1 N2 आपको दी नहीं हुई थी, बट इस चीज से पता लगाना था कि लोकेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन चाहिए तो इसका मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ क्या है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पिछला टॉपिक था उसके ऊपर है, ये क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है क्या कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है मेटल की 7.0 × 10⁻¹² सेकंड इनवर्स। अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर रेडिएशन क्या है, रेडिएशन जो हमने डाली है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है। तो क्या था हमारे पास टोटल एनर्जी E या फिर क्या थी H nu, ये इसके इक्वल थी H nu नोट, मतलब क्या है ये हमारी E नोट प्लस क्या थी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से क्या आई थी, ये क्या थी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आई थी H nu माइनस H nu नोट, मेस टू से क्या हुआ H कॉमन आ गया nu माइनस nu। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमें निकालनी है, H की वैल्यू क्या होती है, लेंथ कांस्टेंट है 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड, ये होती है H की वैल्यू। म्यू हमें दिया ही हुआ है क्या 1 × 10⁻⁵⁰ और ये क्या दिया हुआ है हमें 7 × 10⁻¹⁴। तो अगर यहाँ पे ये 15 दिया हुआ है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 10 × 10⁻¹⁴। तो हमने इसको ऐसे लिखा तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई 6.62 × 10⁻³⁴। 10⁻⁴ कॉमन है तो 10 − 7 कितना आ गया 3, तो ये क्या बन गया 3 × 10⁻⁴। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आ जाएगी 3 को इससे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 = 36 इंटू में 10⁻⁴ − 34 प्लस 10⁻⁴, ये क्या आ गया −20 जूल। तो ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको क्या है न्यूमेरिकल सोल्व करना है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 90.86 × 10⁻⁶ − 20 जूल। नोट इट डाउन।